लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा अंडरवाटर माफिया अपने एक सेनापति को पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी सेना के साथ भेज देता है, और दूसरी तरफ हम लोगों को पता चल जाता है माइकल और ट्रेवर के अंदर गॉड टाइटन और आइस टाइटन छुपे हुए थे, और वो अब पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए अपनी पूरी शक्तियों के साथ वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसे लड़ाई कर सकता है, इसीलिए वो अपने सूट को चार्ज करके ग्रीन लाइटर सिटी के यहाँ पे पहुंचने वाला होता है, तभी वहाँ पे उसकी सारी पावर्स कम हो जाती है और वो नीचे की तरफ आके गिर जाता है, और उसे मारने के लिए डॉक्टर हॉवर्ड मैचाहल को पहन के उसे खत्म कर देता है, लेकिन टीम फॉर लैंटर्न फ्रैंकलिन को बचा लेता है, और तब उसे पता चल जाता है डॉक्टर हॉवर्ड पूरी दुनिया को मैचा बोर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहता है, इसलिए उसे सारे हल के बोर्ड्स बना दिए थे, और ना चाहते हुए भी फ्रैंकलिन को वहाँ से भागना पड़ता है एस्गार्ड। अब आगे डॉक्टर हॉवर्ड बोलते बेटे, अब तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। जो तूने मैचाहल का एक्सपेरिमेंट बनाया था उसे फ्रैंकलिन को डराने में हम कामयाब हो गए। अब मेरे पास कुछ ही मॉडल्स हैं, मुझे इसे लाखों मॉडल्स चाहिए, इसलिए बेटे तुम्हें आना पड़ेगा। सारे के सारे मैचाहल रेडी रहो, हमें हमला करना है एवेंजर्स पे। जैसा हम रेडी हैं, अब हमला जरूर होगा, सारे मैचा बॉट चलो एवेंजर्स के ऊपर हमला करते हैं। ये हुई ना बात। एस्गार्ड गए हो फ्रैंकलिन, तुम्हें क्या लगा हमको कोई पता नहीं चलेगा, हमें सब कुछ पता होता है। डॉक्टर हॉवर्ड अब पूरे दुनिया में मैचा बॉट्स का राज लाएगा। बेटे चलो, अब दुनिया को हमें नए विलन से मिलवाना पड़ेगा। मैचा बॉट्स जाओ हमला करो, और ये फ्रैंकलिन की लैम्बोर्गिनी मेरे पास रहेगी। गॉड एवेंजर है ना ये, अब यही गॉड एवेंजर तुम्हारे खिलाफ होंगे, क्योंकि मैं इन्हें मैचा बॉट्स में तब्दील करने वाला हूँ। बेटे तुम कब तक आने वाले हो? गॉड एवेंजर अपग्रेड, अपग्रेडेशन सक्सेसफुल, अब पूरी दुनिया पे मैं राज करूंगा गॉड एवेंजर्स के साथ, सारे गॉड एवेंजर्स को मैचअप पॉइंट्स में तब्दील करूंगा, एक नहीं दो नहीं लाखों गॉड एवेंजर जब दुनिया को खत्म करने आएंगे, तब मैं भी देखूंगा कि फ्रैंकलिन मासूम लोगों को कैसे बचाएगा। अपग्रेडेशन ऑन द वे। डॉक्टर हॉवर्ड बोलते नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ोगी। ये क्यों क्या, मैं तो टेलीपोर्ट होने वाला था एस्गार्ड पे यहाँ पे, लेकिन मेरे साथ ये कुछ गड़बड़ी हो गई गाइस, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से मेरे साथ ये हो क्या गया, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। गाइस मुझे लगता है मेरी टीम फोर लाइटिंग की पावर्स पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। ये क्या, ये तो कितनी खतरनाक विंटेज कार लग रही है, चलो इसको जल्दी जल्दी से लेते भाई, इसके अंदर कोई जान बची है या नहीं बची, कुछ गड़बड़ लगती है, लगता है लॉस सैंटोस में कुछ हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, मैं कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। स्पाइडी सुन रहे हो? हाँ आवाज आ रही है तेरी, सारे विजय जाग गए। हल जाग गया। एस्गार्ड की कसम थोर यही पे था, सॉरी एस्गार्ड का टेलीपोर्टेशन का दरवाजा बंद है, तुम यही पे टेलीपोर्ट हो गए, एस्गार्ड की कसम नहीं जा पाए तुम वहाँ पे। कोई बात नहीं थोर। अरे गड़बड़ हो गई है, मैं शिनचैन के पीछे जा रहा था, लेकिन शिनचैन विलेज के अंदर चला गया, और तोल शहर में गॉड टाइटन और लाइट टाइटन आ गए, दोनों पूरे शहर को तबाह कर ले। क्या कहा, दोनों आ गए, ये तो गड़बड़ हो गई गाइस, अब हम दोनों को कैसे रोकेंगे, लेकिन मैंने उन लोगों को गायब कर दिया था, आई थिंक कुछ गड़बड़ लगती है। मैं काम करता हूँ, माइकल और ट्रेवर को कॉल लगाता हूँ। माइकल ट्रेवर, दोनों का कॉल तो इनकमिंग नेटवर्क से बाहर आ रहा है, इनका सिम कार्ड कौन सा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगता है वो लोग भी खतरे में, जैसे मैं खतरे में हूँ वो भी खतरे में। अब हमारे पास दो मिशन है, हमें गॉड टाइटन और आइस टाइटन को शहर को तबाह रखने से रोकना पड़ेगा, और तो और दूसरी तरफ शिनचैन विलेज के अंदर जाके तबाही मचा रहा है, हमें शिनचैन को भी रोकना है।
लेकिन कैसे स्पाइडरमैन अकेले तो नहीं रुक पाएगा और एवेंजर्स अभी अभी होश में आए हैं। वो लोग इतनी जल्दी अपनी पावर्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, हमें कोई ना कोई आइडिया लगाना ही पड़ेगा गाइस। लेकिन क्या लगा है? कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा मेरे को। मेरे पास कोई और फ्रेंड है क्या? जी हाँ, मेरे पास एक और फ्रेंड है और लोग और उसकी गैंग। वो लोग चिंचन को काबू कर सकते और वो लोग वहाँ पे काबू करेंगे और मैं शहर में जाके गॉड टाइटन और आइस टाइटन को तबाही मचाने से रोक सकता हूँ। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो? हाँ फ्रैंकलिन, क्या हो गया? बोलो। एक गड़बड़ आ गई है, सारे एसपीडी के मेंबर्स को विलेज के यहाँ पे लेके जाओ और शिनचैन को रोको। क्या कहा? शिनचैन वो हमारा दुश्मन बन गया क्या? हाँ ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन उसको चोट मत पहुँचाना ठीक है? हम पूरा ट्राई करेंगे। हाँ एस्ट्रा भी पूरा ट्राई करेगी, शिनचैन को कोई भी खरोच नहीं आएगी। फ्रैंकलिन तुम जाओ, तुम्हारा मिशन कम्प्लीट करो। हाँ फ्रैंकलिन, एस्ट्रा सही कह रही है, इवॉल्वेशन स्टार्टेड। जी हाँ, इवॉल्वेशन सक्सेसफुल। अरे यार, ये तो फुली पावर में शिनचैन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ भी करके गॉड टाइटन को रोकना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है गाइस, हम लोग दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा देंगे जिससे वो दोनों एंगेज रहेंगे और हम लोग यहाँ पे उन लोगों को रोकने की कोई आइडिया या कोई तरकीब लगा सकते हैं। चलो लॉस एंटोस वासियों, मैं आ रहा हूँ, टीम फॉर लैम्पटन अपनी आखिरी सांस तक तुम लोगों को बचाएगा। आ रहा हूँ मैं लॉस एंजेलिस, फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये क्या, एक तरफ पूरा का पूरा लॉस एंटोस आइस से ढक चुका है, इसका मतलब गॉड टाइटन इस साइड से आने वाला है, और तो और मेरी दूसरी तरफ पूरी की पूरी वेदर की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यहाँ का टेम्परेचर भाई साहब 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। और यहाँ से गॉड टाइटन यानी लावा गॉड आ रहा है, पीछे से आइस गॉड और यहाँ से लावा गॉड। मैं क्या करूँ? दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, ये वाली बिल्डिंग। मुझे यहाँ पे जाके दोनों को आपस में ही भड़काना पड़ेगा। फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। ओ शिट, सामने से लावा गॉड आ रहा है, मुझे इसे रोकना पड़ेगा। ये रहा लावा गॉड टाइटन, सुनो तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये क्या फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। बेशक तुम मुझे तबाह कर दो, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारा भाई तुम्हें खत्म करके रहेगा, इतनी बात मुझे पता चली है। तुम मुझे उसके खिलाफ करना चाहती हो? नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारे साथ है तो यहाँ पे इतनी बर्फ कैसे हो गई? ये तो तुम्हारा एरिया होना चाहिए था। हाँ सही कहा, यहाँ पे इतनी ठंड कहाँ से आ गई? इसका मतलब वो मुझे पिघलाना चाहता है। सही कहा, वो तुम्हें पिघला के पूरे लॉस एंटोस पे अकेला राज करना चाहता है, यही उसका जाल है। और मैं बस तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है, करना है करो। वैसे भी हम लोग एवेंजर्स नियत्य हो चुके, हम जा रहे हैं। वैसे इसने सही कहा, सामने से आइस टाइटन आ रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये हुई ना बात, इसने मेरी बात मान ली, अब चलता हूँ आइस गॉड के पास। ये रहा आइस गॉड टाइटन। आइस गॉड टाइटन, यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते। क्या कहा? मैं आगे जाके रहूंगा, मुझे रोकने वाले होते कौन हो? मैं तो कोई नहीं होता, वैसे मेरा नाम टीम फुल लैंटर्न है और मैं तुम्हारे भलाई के लिए आ रहा हूँ। तुम्हारा जो लावा गॉड है वो तुम्हें खत्म करना चाहता है, देखा ये वेदर चेंज हो गया। इसका मतलब वो मेरे को खत्म करना चाहता है? हाँ, वो इस पूरे लॉस एंटोस को कब्जा करके तुम्हें पिघला देगा अपनी गर्मी से। इसीलिए यहाँ पे इतनी गर्मी है, मुझे लगा था मेरा भाई मुझे धोखा देगा, मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। ये हुई ना बात, जैसे मैंने लावा गॉड को भड़काया, उसने अपनी गर्मी से यहाँ पे वेदर पूरा हीट कर दिया और इसकी वजह से आइस गॉड भी मेरे कब्जे में यानी मेरे बातों में आ गया। मेरा काम तो हो चुका है, अब ये दोनों अपना अपना गेम खुद ही बजाएंगे। और आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ, क्योंकि ये वाला प्लान हमारा कामयाब जरूर होगा। इसके लिए आपको आज के वीडियो को 30,000 लाइक जरूर करना है और आज 5,000 कमेंट का एम है। क्या आज 5,000 कमेंट हो पाएंगे? आई होप आप करवा दोगे, आपके ऊपर मेरा बहुत ट्रस्ट है। तब तक इनका काम ये खुद ही बजाएंगे। मैं चला शिनचैन को रोकने के लिए। मेरे भाई, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, आजा। मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे मारने की कोशिश की। ऐसी बातें, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब तू भी गया। ये ले। बहुत बढ़िया, तूने अपना फर्ज अच्छे से निभाया, अब तेरा काम मैं तमाम करूंगा। ऐसी बातें, अब मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। चलो भाई, फाइनली गाइस, ये लोग तो अपने आप से लड़ाई करने लगे। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं देख रहा था कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरे भाई, तूने मेरे ऊपर हाथ उठा के बहुत ही बड़ी गलती की, अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ये तुम्हें लगा? नहीं, अब मैं भी तुम्हारा काम तमाम करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, उस छोटे से बच्चे के अंदर में सालों तक रहा, वो बेवकूफ माइकल, मेरे अंदर से निकल जाओ माइकल। वाह, ये क्या? नहीं, अरे माइकल, मुझे भी फेंक दिया इसने। अब आ जाओ, अब मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगा। यहाँ पे हुआ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें यहाँ से फ्रैंकलिन के पास जाना पड़ेगा। जल्दी चलो माइकल, ये वाली व्हीकल को निकालो, ये लोग तो लड़ाई कर रहे। अरे पैरों के नीचे कुछ चल जाऊंगा। ओए वहाँ पे कहाँ पे कूदा, मैं तो बिल्डिंग के यहाँ पे हूँ।
ऐसी बातें, ये लोग तो गंदी लड़ाई कर रहे। अरे बाप रे बाप, क्या फेंका इसने। मुझे मारेगा, ये ले मेरे भाई, आज तू मेरा भाई नहीं है। ये ले, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तो और लड़ाई कर रहे हैं, हमें ऐसे भागना पड़ेगा, ये ब्लास्ट नहीं बना है। आ जाओ व्हीकल के अंदर चलते। बच गए भाई, मैं हूँ गॉड टाइटन, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। अरे माइकल, हम लोग तो बाल बाल बच गए। हाँ सही कहा, हम लोग तो उनके अंदर थे। अरे यार नहीं, वो हमारे अंदर थे। अब जल्दी जल्दी ब्राइकल के पास चलो, हमें अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, उन लोगों ने हमारे ऊपर कोई जादू कर दिया है। कोई जादू नहीं किया, जब वो हमें मारने वाले थे, ब्राइकली ने जो ब्लास्ट किया, तब उन लोगों ने छुपने के लिए हमारे शरीर को चुना था। अब हम सेफ है, हम लोगों को उसने बाहर फेंक दिया है। हमें कुछ भी करके मेंशन के ऊपर जाना पड़ेगा। अरे मैंने मेंशन के ऊपर अभी अभी कॉल लगाया था, लेकिन मेंशन के ऊपर कोई भी जवाब नहीं दे रहा, सारे के सारे एयरपोर्ट के ऊपर है। क्या कहा, एयरपोर्ट के ऊपर? एयरपोर्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे क्या पता, सब लोग वहीं पे, सारे एवेंजर्स, ब्राइकलीन और हमारे एसपीडी के सारे मेंबर्स पुराने वाले एयरपोर्ट के ऊपर है, वो गांव के अंदर है। क्या कहा, गांव के अंदर? गांव के अंदर क्यों गए ये सारे के सारे, कुछ समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है वहाँ पे? अरे मुझे क्या पता, जीपीएस पे बस इतना ही दिखा रहा है, वो भी एवेंजर्स वाला जीपीएस है, इसलिए पता चला, नॉर्मल तो कुछ पता नहीं चलता। सही कहा, अब हमें जाना ही पड़ेगा, ये रहा शॉर्टकट। अरे नहीं, गाइस आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, 30,000 लाइक का एम है और 5,000 का मैं कैम है। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड का पार्ट 2 जरूर लिखना। तब तक के लिए बाय बाय।